हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था नादान दोस्त। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर अभ्यास के देखो, पहला प्रश्न है, अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते होंगे। अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठ रहे थे कि वे अंडे कितने होंगे, कैसे होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, तरह तरह के सवाल उठ रहे थे ना उनके मन के बारे में। ये है दूसरा। देखो, केशव ने श्यामा से चीथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर क्यों रखे थे। केशव ने देखा कि अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं, वहां कोई घोंसला नहीं था। उसने चीथड़े की गद्दी बनाई और अंडों के नीचे बिछा दी। अंडों को धूप से बचाने के लिए एक टोकरी से उन पर छाया कर दी और एक प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। नंबर 3, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। बच्चे चिड़िया के अंडों की रक्षा करना चाहते थे किंतु अज्ञानता के कारण उनसे नादानी हो गई। अतिरिक्त प्रश्न, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। अम्मा की यह बात सुनकर श्यामा को अपने भैया केशव पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने कहा कि केशव ने ही अंडों को इस तरह रखा था कि वे गिर पड़े, उसे सजा मिलनी चाहिए। अंडे गंदे क्यों हुए, उन अंडों का क्या हुआ। अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं, चिड़िया छुए हुए अंडों को नहीं सेती। चिड़िया ने दुखी होकर उन अंडों को नीचे गिरा दिया। अभी ऑप्शन टाइप प्रश्न है, इसमें से सही आंसर चुनना है हमने। 4 देखो, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा। धूप से बचने के लिए कपड़े की छत बना दी जाए, पानी की प्याली रख दी जाने और खाने के लिए थोड़े से चावल रख दिए जाए। नंबर 6 ये भी करने हैं आपको और कहानी से आगे का ये 3 भी करना है। 3 सिर्फ 3 करना है, 1 और 2 नहीं करना है। प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा है, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है अबोध मन। ये सभी क्वेश्चन आंसर आप सभी को अपनी बुक में से फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और उसके बाद लर्न करने हैं। अब हम इसके छोटे प्रश्न लिखेंगे। चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए, कहाँ दिए, कहाँ दिए थे चिड़िया ने अंडे। केशव के घर कार्निश पर। प्रश्न नंबर 2, कार्निश शब्द का क्या अर्थ है। दीवार का सबसे ऊपरी हिस्सा लेखक ने नादान दोस्त
श्यामा को, केशव ओम श्यामा को। पर्सन नंबर फाइव, पर्सन नंबर फाइव, छोटे प्रश्न हो गए। और जो ये मैंने आपको ये प्रश्न अभी जिन जिन पे पढ़ाए थे, जिन जिन को बताया था, ये आप सभी को अपनी नोटबुक में लिखने हैं, याद करने हैं। और ये वाले भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, याद करने हैं। और इस पाठ का नाम और यहाँ पर इसके लेखक का नाम भी लिखना है, ठीक है। नादान दोस्त, लेखक कौन है इसके, मुंशी प्रेम चंद, ठीक है, ओके।